केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के मामले 75 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इनमें से 7,83,000 से ज्यादा केस अब भी एक्टिव हैं। देश में कोरोना वायरस के चलते अब तक 1,14,031 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 74,94,552 हो चुके हैं, जिनमें से 7,83,311 केस एक्टिव हैं। बात करें संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की, तो यह आंकड़ा 65,97,201 पर पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 61,871 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 72,614 मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान 1,033 मरीजों की जान भी चली गई। संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 8 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस, मृत्यु दर और रिकवरी रेट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.51% पर पहुंच गई है। इसके अलावा एक्टिव केस यानी जिनका इलाज चल रहा है, उनकी दर भी घटकर 11% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट 88% पर पहुंच चुकी है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है।